अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ एक सोलर प्लांट पर, जो कि ट्यूबवेल का सोलर प्लांट है। तो आपको दिखाते हैं उसके कैपेसिटी कितनी और कितना दिन में वो पानी जो है वो ज़मीन को सैराब करता है, आपके साथ मुकम्मल शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं सोलर पैनल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखें जी सोलर पैनल, यहाँ पर ये मोटर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम जी शुरू करते हैं सोलर से। तो ये जी 18 सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पर, 550 वाट के, और मोटर जो है वो भी बड़ी लगी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें, ये हैं जी 18 सोलर, और इसकी ट्राली बनी हुई है, जहाँ पर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, और ये फोल्डिंग हो जाते हैं सब के सब। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो जिसके पास तकरीबन कोई 30 एकड़ के करीब रकबा है, तो वो जो है उसका खर्चा डीजल का तकरीबन 6 माह की फसल में तकरीबन कोई हो जाता है कोई 6 से 7 लाख। तो इस सेटअप का जो कि कुछ दिन पहले बन रहा था, वो इसकी लागत जो है वो तकरीबन 10 लाख थी ट्राली के साथ। तो मुकम्मल तौर पर ये 10 लाख में बन जाता है, और ये जो है अब तो खैर ऊपर नीचे हो चुका है होगा, क्योंकि ये कुछ दिन पहले की है। तो जैसा कि आपको पता है डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इसका रेट भी ऊपर नीचे होता रहता है। ये तकरीबन कोई 2 एकड़ से 3 एकड़ जो है वो रकबा सैराब करता है एक दिन में। तो अगर ज़मीन कुछ मतलब कि पक्की ज़मीन हो तो उसके तकरीबन कोई 3 एकड़ दिन में इस सैराब कर देता है, और अगर रेत हो तो 2.5 से 2 एकड़, क्योंकि रेत काफ़ी पानी जज्ब करती है। तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं इसका और सेटअप जो है वो, और इसका इन्वर्टर है यहाँ पर। और पानी इसका चेक करें, इस वक्त टाइम जो है वो तकरीबन कोई 8:30 बज रहे हैं, और ये 6 का पंखा है और 6 का ड्राइवरी है, तो ये लगा हुआ है। और किसान भाइयों को पता होगा कि मोटर जो है इसका मुझे ख़ास इल्म नहीं है कि कितनी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोटर ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं कि मोटर कितने की है, और ये चल रही है जी मोटर। तो इन्होंने यहाँ पर ये पीटर डीजल इंजन भी रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि ये शाम तक जैसे ही सूरज ग्रूब होता है, तो फिर क्योंकि इनकी रकबा ज़्यादा है तो वो जो है वो डीजल चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये जी हमने आपको दिखाना था ये माहौल, और पानी भी आपने चेक किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद ही होगी। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।